चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है आरोग्य हॉस्पिटल डाल चौराहा उदयपुर रोड सलूम्बर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर मेवाड़ के मावली तहसील कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर कस्बे के प्रताप गार्डन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयकारों के साथ हुई। सभी अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह पहाड़ा के निर्देशानुसार जिला प्रभारी अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षक पद पर मोती सिंह, प्रभारी जीवन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोवननाथ, महामंत्री जालम सिंह, मीडिया प्रभारी फतेह सिंह, प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा, तहसील महासचिव गोविंद सिंह, ग्राम पंचायत लदानी इकाई अध्यक्ष नारायण सिंह को नियुक्त किया है। सभी नियुक्त पदाधिकारियों को जिला कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बैठक में समाज के कई विशेष मुद्दों व विभिन्न गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के संगठन मंत्री गोकुल सिंह, सलाहकार मंत्री भूपेंद्र सिंह मावली, भगवत सिंह, राहुल सिंह, गोविंद सिंह, महेंद्र सिंह, तीरथ सिंह, होम सिंह, पर्वत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला प्रभारी उदयपुर, आज मावली में प्रताप वाटिका में मावली कार्यकारिणी के विस्तार के संबंध में आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी, इस मीटिंग में मावली से क्षेत्र के अमुक जानी डानी गांव गांव से हजारों के तादाद में हमारे क्षत्रिय सिद्धार यहाँ पधारे और आज उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर कार्यकारिणी का विस्तार किया और सभी का सहयोग हमें निरंतर मिलता जा रहा है। मैं यही आशा करूंगा कि सभी क्षत्रिय सरदारों का मार्गदर्शन हमें मिले। हम युवा हैं, आप बड़ों का जो आशीर्वाद हमें मिलेगा उस रूप हम काम करते जाएंगे और आपके आशीर्वाद बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। और आज मावली में अमुक पदों पे हमने जो नियुक्तियां करी है उन सभी से यही आशा है कि आप सभी इस पद पर रहकर निष्ठा के साथ इस कार्यकारिणी में काम करें और संगठन को मजबूत करें। आज हमने कई विशेष मुद्दों पर बात करी है, जैसे कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड गठन की जो बात और EWS की मांग 10% से बढ़ाकर 14% और विधानसभा में हिस्सेदारी की जो मांग हमने केसरिया महापंचायत जयपुर में उठाई थी, अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पे कोई अमल नहीं किया है और सरकार से निवेदन करेंगे कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द माने, अन्यथा हम राजस्थान और पूरे भारत में एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो सरकार को भी नानी याद दिला देंगे। और सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम सब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी मिलकर एक आंदोलन करेंगे और सरकार को ये याद दिला देंगे कि हम भी कोई करनी सेना है। ये हर वक्त पे हम करनी सेना अपना आंदोलन करके सरकार को याद दिलाती है और आगे भी दिलाएगी। और तुमलगढ़ पे जो हनुमान जयंती का जो कार्यक्रम था उसमें पुलिस ने रोका टोकी करी और लोगों को वहां नहीं जाने दिया, गेट बंद कर दिए, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ये ऐलान करती है बहुत जल्द अपनी रूपरेखा तैयार करके कुंभलगढ़ में झंडा गाड़ेगी और झंडा गाड़ के अपना जलवा कायम रखेगी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जय भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, बोले एकलिंग नाथ की जय। आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पर सर्जरी, फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्रियों से संबंधित रोगों के इलाज की सुविधा के साथ जीवन रक्षक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ICU, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे एवं ECG की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आरोग्य हॉस्पिटल उदयपुर रोड डाल तिराहा सलूम्बर, मोबाइल नंबर 9024059049 एवं 9414637172 पर संपर्क करें।